अखिलेश का यूपी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से यूपी सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश का कानून जीप के टायरों के नीचे कुचला जा रहा है, मौजूदा सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने आशीष मिश्रा को समन नहीं गुलदस्ता भेजा है। अजय मिश्रा के मंत्री पद पर रहते हुए इंसाफ नहीं मिलेगा, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। देरी इसलिए हुई है जिससे इंसाफ ना मिले, इंसाफ के लिए जो परिवार बैठे हैं उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। न केवल समाजवादी पार्टी ने बल्कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा है उसने उस घटना की निंदा की है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून से कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको और कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब है। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है, दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, अभी भी फरार हैं। आखिर किसने फरार किया हुआ है उन्हें? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही है कानून व्यवस्था अच्छी है। अब जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में, बहुत कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। यादव को सुना, सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। आशीष मिश्रा को लेकर के, राज्य गृह मंत्री को लेकर के कई सवाल है उनके जहन में। उन्होंने कहा कि जब वीडियो सबके सामने है, जो चश्मदीद थे उनके जवाब सबके सामने आ चुके हैं, मृतक परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है और उसके बावजूद आप समन चिपका करके आ रहे हैं, एक नोटिस चस्पा करके आ रहे हैं, और ये नोटिस नहीं है, ये गुलदस्ता है। कल समान टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हुई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को रखा था। उन्होंने कहा था कि क्या किसी सामान्य नागरिक के ऊपर धारा 302 का मुकदमा हो जाने के बाद क्या उसे इतनी दिनों की राहत मिलती है? क्या संविधान की न्यायिक प्रक्रिया इसी ढांचे में बनाई गई है? तो जवाब सामने से आया था कि जांच की जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि लखीमपुर खीरी की पूरी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, पूरे प्रशासनिक अमले को बदलने की जरूरत है। यानी कि कड़ी टिप्पणी थी। कानून व्यवस्था की बात करिए, क्योंकि आज 25,000 रुपये इनाम घोषित किया गया है मनीष गुप्ता हत्याकांड में, जो पुलिसकर्मी थे। और हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और उसके बाद होटल का भी जो मामला सामने आया, जिसमें ये माना जा रहा है कि होटल ओनर्स की तरफ से, जो होटल जो चला रहे थे, जो प्रशासन था होटल का, उसने सूजरा दे करके उन पुलिसकर्मियों को होटल के उस कमरे में भेजा, 502 कमरा जो था उसमें भेजा। उनका वहाँ उद्देश्य पुलिस वालों का वसूली करना था, लेकिन जब किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ मनीष गुप्ता के आस से पास से नहीं मिला और उसने ये कहा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, तो उस बहस के दरमियान
नाराजगी जाहिर की। सतेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। सतेंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज अखिलेश यादव ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ सबके सामने है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकार तो बार बार कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, यथासंभव कार्रवाई की जा रही है। आज आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश भी हुए हैं, लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार ये नाराजगियां देखने को मिल रही हैं और नाराजगियों के साथ साथ तलख तेवर हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए और चाहे आप सपा की बात कर लीजिए, बसपा की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, सभी का सीधा मानना है कि देश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक बार फिर गृह राज्य मंत्री की इस्तीफे की मांग अखिलेश यादव ने रखी है। उनका सीधा कहना है कि जिस मंत्री के अंडर ही ये पूरी व्यवस्था आती है, अगर उसी के बेटे ने अपराध किया है तो क्या आपको लगता है कि उसके बेटे को सजा हो पाएगी? क्योंकि देखिए, कोर्ट ने भी कल इस बात को कहा कि जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके की प्रोसीडिंग चलाई गई है वो पूर्णतः गलत है। उन्होंने कहा कि किसी पर भी धारा 302 लग जाने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, अपराध सिद्ध होगा तो आरोपी होगा और उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी, लेकिन उसको कम से कम गिरफ्तार किया जाएगा। आपने 3 तारीख की घटना के बाद से लेकर के अभी तक उसे गिरफ्तार तक नहीं किया, 2 नोटिस चस्पा किए गए। आपको बता दूं कि धारा 302 यानी कोई भी संगीन धारा जब आपके पर लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर लगे, चाहे मर्डर लगे, चाहे इससे भी अलग आप पे कोई गंभीर संगीन धारा लगी हुई है, तो पुलिस नामजद मुकदमे वाले आदमी को आ करके हिरासत में लेकर के या गिरफ्तार करके जाती है। लेकिन आज आशीष मिश्रा अपनी स्कूटी से क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर पहुंचे। खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। खेमचंद जी क्या कहेंगे, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि टायरों के नीचे आपने पूरी कानून व्यवस्था देश की रौंद दी है। देखिए, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस वल्चर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किस तरीके से अखिलेश यादव जी के सामने पुलिस की जीप को जलाया जाता है, पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की जाती है, इसे पता चलता है ये लोग खुद गुंडाराज फैलाते थे, खुद गुंडागर्दी करते थे। और आज जब कानून का राज है और जब ये तय किया जा रहा है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और कानून के तहत, जब वो कोई भी हो, आज आपने देखा किस तरीके से मंत्री का बेटा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने प्रस्तुत हुआ है और जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई आप प्रेशर बनाएं, आप गलत तरीके से हंगामा करें और किसी निर्दोष को आप फंसा दें। अगर आपके पास कोई शख्स है, आपके पास कोई फैक्ट है तो बताएं, दिखाएं, लेकिन इनको पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है और वो सबके सामने आ रही है। लगातार बने हुए भारतीय जनता पार्टी से है सत्येंद्र यादव जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से नेता हैं। केमचंद जी, अभी आपने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, किसी के दबाव में न्यायिक प्रक्रिया नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कल कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया इस तरीके से होती नहीं है जिस तरीके से आपने फॉलोअप किया, आपने कहा ऐसे फॉलोअप होते देखा है, क्या कभी धारा 302 के अपराधी को या जिस पर ये मुकदमा नामजद दर्ज हो, क्या कभी आपने देखा है कि वो खुद स्कूटी से चल के क्राइम ब्रांच के दफ्तर तक पहुंच जाए, जैसे आज की तस्वीर में देखा गया? केमचंद जी, सत्येंद्र यादव जी न्यायिक प्रक्रिया का भरोसा दे रहे हैं केमचंद जी और कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पूरे तरीके से फॉलोअप हुई है, लेकिन आज एक तस्वीर सामने आई और उसने फिर सवाल खड़े कर दिए क्योंकि स्कूटी से पहुंचे हैं आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर। सबसे पहले तो जो मंत्री हैं उनको तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटाया जाए जी। उसके बाद जब तक वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उनकी इज्जत की बात है, अगर मंत्री को हटाते हैं तो उन्हें मालूम है कि सिर्फ एक मंत्री नहीं हटने वाला है, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के हटने की बौछार लग जाएगी, हर जिले में इनके ये सब इस तरह के प्रकरण आपके सामने आने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये लोग एक्सपोज होना शुरू हुए हैं। आप देखते जाइए जिस तरह से इनकी गुंडई और माफियागिरी
जो हो रही है पूरे देश में इनके संरक्षण में और पूरी कानून व्यवस्था का तो कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं निभाई। आप देख लीजिए इनके राज में कितने बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन कोई न कोई जिले का एक हत्याकांड, एक बलात्कार कांड, कोई न कोई इस तरह की घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है आप देख लीजिए इनका इतिहास उठा के। ये इस वक्त एन कैन प्रकरण, ये सत्ता के लालची लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे देश का ये धंधा बनाया हुआ है इन्होंने। इनको सिर्फ सत्ता में रहना है, इनको जनता से और मानव, इनके अंदर मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ इस पर है कि कैसे भी सत्ता से नहीं हटना चाहिए। जो इनके ग्रुप हैं, जो केंद्र से लेकर और यहाँ लखनऊ तक, यहाँ उत्तर प्रदेश तक जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, यही तो सिखा रहा है कि कैसे भी सरकार में रहना है, झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाकर, यहाँ तक कि चाहे भले ही हत्याएं करवा